दोस्तों क्या आप जानते हैं ब्लेड प्रूफ जैकेट पहनने से गोली लगने पर इंसान की मौत क्यों नहीं होता। चलो 3D एनिमेशन से समझते हैं। देखो जैसे ही इस गन से ब्लेड निकलता है तो 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाके ब्लेड प्रूफ जैकेट में टकराता है। लेकिन ये ब्लेड प्रूफ जैकेट इन चार लेयरों से बना होता है, जिसमें से पहला लेयर का नाम सेरेमिक लेयर, दूसरा अरामिड फाइबर लेयर, तीसरा वर्टेक्स लेयर और फिर चौथा पॉलीएथिलीन लेयर। सबसे पहले बुलेट इस सेरेमिक लेयर की इन सेरेमिक डिस्क से टकराएगी, जिससे बुलेट की स्पीड कम हो जाएगा और बुलेट पिचक जाएगा। पिचकने के बाद बुलेट इस अरामिड फाइबर लेयर से टकराएगी। ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन बुलेट के कांटेक्ट में आने से ये पीछे की तरफ खिंच जाएगा और ये इस बुलेट की किनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके पूरा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसको चीरते हुए बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराएगी। वर्टेक्स लेयर और कुछ नहीं बल्कि एरामिड फाइबर लेयर की अपग्रेड वर्जन है, जो की और ज्यादा टाइट होता है। आगे बढ़ के जब ये बुलेट पॉलीएथिलीन लेयर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो ये बुलेट को इस तरह जकड़ लेगी।